तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। हम आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी आपका फ्रेंड और जो भी पेटीएम में पैसा भेज रहे हैं तो पेटीएम में बस एक मैसेज कुछ इस टाइप के शो हो रहे होंगे और पैसा तो आ नहीं रहेंगे, तो आखिर में पैसा जा कहाँ रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हैं अमरकटेक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने पेटीएम को ओपन करते हैं। पेटीएम को चलिए ओपन कर दिए। तो ओपन करने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उतना यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन जो मेरा पेमेंट आया है वो अभी तक शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करके भी दिखा दिया। तो चलिए वो बताते हैं कहाँ से मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको आएगा सामने, जिसका जो मर्चेंट अकाउंट होगा उसी में दिक्कत आ रही है, खास करके अभी जो पेटीएम चल रहा है। तो वीडियो में बने रहें, हम बताते हैं यहाँ से। चलिए ट्रांजैक्शन अपना स्टोरी चेक कराते हैं। तो आप लोगों को कहीं पे नहीं जाना है, आप यहाँ पे पर्सनल जो दिख रहा है पर्सनल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी क्यूआर लिख रहा है, क्यूआर पर क्लिक करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कहीं पर भी साइड में क्लिक कर देना है। क्लिक करके दिखाते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिख रहा है व्यू पोस्ट पेमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर व्यू पोस्ट पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर बता रहा है आपको मतलब किस टाइम पैसा आया था। तो हमारा पैसा जो आया था 4-10 जुलाई के बीच में। तो यहाँ पे 10 जुलाई पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शो रहा है, एक बार 60 रुपया और एक बार 600 रुपया, तो दोनों मिलाकर हो गया 660 रुपये टोटल यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। नो ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्लिक जो दिखा रहा है आपको सामने 8 जुलाई को, ठीक है। अभी इसको हम बताएँगे कैसे अपने अकाउंट में लाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सेटलमेंट पर क्लिक कर देना है। सेटलमेंट पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमें सेटल नाउन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सेटल नाउन पर क्लिक करने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाए, जो कि लिखा है यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे चेंज अकाउंट का भी ऑप्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पे चेंज अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चेंज अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का मतलब ऑप्शन दे रखा है, जो ऐड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे दो दो मेरे ऐड है, तो हम यहाँ पे अपना ओरिजिनल वाला ऐड कर लेते हैं जो कि दूसरा है मेरा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, और चाहे तो अपना पेटीएम वॉलेट में भी डाल सकते हैं। सेव जैसे करिएगा वैसे आपको ओटीपी आपको फ़ोन पे आएगा। तो ओटीपी मेरा आ गया है, अब ओटीपी डाल के आपको बताते हैं। तो हम अपना ओटीपी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेटीएम में चलते हैं। पेटीएम पर आ गए, यहाँ पर अपना ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डाल रहे हैं, अभी ओटीपी डाल देंगे, अपन कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर जैसे आप क्लिक, यहाँ पर सेटलमेंट अकाउंट अंडर रिव्यू लिख रहा है और गो इट, तो ओके गो इट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करिए कुछ ऐसा मैसेज आपको आ जाएगा, मतलब तो अकाउंट मेरा सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट जो आपको दिख रहा है 660 रुपया, यहाँ पर प्रोसेड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सेटलमेंट इन प्रोसेस, यानी कि मतलब आपका पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, 2-3 मिनट टाइम लगा, और यहाँ पे सेटलमेंट पेंडिंग का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। तभी मतलब पैसा कुछ समय में मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मैसेज आ गया, जो कि मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है, सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं, बैक करते हैं। बैक करने पर यहाँ पर सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है। अब चलिए अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं। अब यहाँ से ट्रांजेक्शन हिस्टोरी पे आ गए हैं, यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा है। फिर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने पे भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब चलिए अपने मेन अकाउंट में चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SBI का मैसेज आया था, तो चलिए हम उसको चेक करते हैं, यहाँ पे मेरा पैसा आया कि नहीं आया। तो SBI के मैसेज को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 660 रुपये जो कि मेरा आ गया है, वो भी लाइव प्रूफ आपके सामने, मैंने सेटलमेंट किया और आ गया। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर न्यू है चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय।